नमस्कार, सुरमे टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और आइए नजर डालते हैं टॉप 20 न्यूज पर। भारत ने अरब सागर में दिखाई अपनी ताकत, 35 से ज्यादा विमानों, 2 युद्ध पोतों के साथ किया युद्धाभ्यास। फिरोजाबाद में 15 वर्षीय किशोरी की हत्या, हाथों में कील ठोकी, निकाल ली आंखें, बर्बरता देख कांप गए लोग। कनाडा से अब नहीं निकाले जाएंगे भारतीय छात्र, आम आदमी पार्टी सांसद अनुरोध पर सरकार ने टाला निर्वासन का फैसला। दिल्ली में गैर धर्म के युवक ने पहचान छिपाकर हिंदू युवती से बनाए संबंध, पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर सुनाई आपबीती। गुजरात में ISKP मॉड्यूल का भंडाफोड़, महिला समेत 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, ATS ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में नया रोस्टर तैयार, 3 डिवीजन और 15 सिंगल बेंच में जज मामलों की सुनवाई कर सकेंगे, 12 जून से होगा लागू। पहलवानों के समर्थन में सोनीपत में महापंचायत, बजरंग पुनिया पहुंचे, कहा सरकार के साथ क्या बातचीत हुई वो बताएंगे। NIA की जांच में बड़ा खुलासा, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने UP से खरीदे थे विदेशी असलहे और कारतूस। मणिपुर हिंसा को लेकर एक्शन मोड में अमित शाह, शांति समिति का किया गठन, CM समेत विपक्षी नेता भी शामिल। महाराष्ट्र में शरद पवार का बड़ा फैसला, प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को NCP का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। महाराष्ट्र के जलगांव में भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने मंदिर में की तोड़फोड़, पुलिस के साथ मारपीट, धारा 144 लागू। दमोह में गंगा जमुना स्कूल संचालक के कारोबार की देर रात तक चली जांच, वेयर हाउस धर्म कांटा और हार्डवेयर दुकान सील। भोपाल में प्याज के दाम कम मिलने से तनावग्रस्त किसान ने लगाई फांसी, पुलिस का दावा शराब पीने का था आदि। लखनऊ में दुधवा नेशनल पार्क में 10 दिनों में 3 बाघों की मौत, मुख्यमंत्री ने दिए जांच के निर्देश। कुनो नेशनल पार्क में बढ़ेगी चीतों की निगरानी, 6 चीतों को बाड़े से जंगल में छोड़ने की तैयारी, 4 दल करेंगे देखरेख। रायपुर में सिंघल ग्रुप के ठिकानों से लौटी IT की टीमें, 8 लॉकर सीज कर अघोषित आय स्टॉक का कर रही मिलान। छत्तीसगढ़ में हिंदू धर्म में वापस लौटे 17 आदिवासी अधिकारियों को दिया शपथ पत्र, महिलाओं ने पैर धोकर आदिवासियों का किया स्वागत। दिल्ली के रामलीला मैदान में कल आम आदमी पार्टी की महारैली, कैबिनेट मंत्री व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ किया स्थलीय निरीक्षण। पालघर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, दूर से दिखा काला धुआं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर। केरल में जजों के खिलाफ YouTube वीडियो बनाना पड़ा महंगा, केरल हाईकोर्ट ने कहा बिना शर्त माफी मांगो अपलोड भी करो। देश विदेश की खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए सुरमय टाइम्स के साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।